मिराज साहब और उसकी मामा को। मामा ने पिछले दिनों ना बाबा को ज़मीन गिफ्ट की है, हमें किसी को नहीं पता था, तो मामा ने वो ज़मीन ली थी। तो मामा कह रही आज ना जाके वहाँ चक्कर लगाओ, पापा को गिफ्ट की थी। तो अब मैं, वाइफ और मोहम्मद मिराज वो ज़मीन देखने जा रहे हैं जो मामा ने बाबा को गिफ्ट की। बेगम जी, ये है ज़मीन जो बाबा ने मामा को गिफ्ट की है। सेविंग करके है तो बाबा के पैसे थे, लेकिन मामा ने सेविंग करके ना जो ये वाला प्लॉट है ना 5 मरलेगा वहां से लेके यहाँ तक, तो ये सारा सोसाइटी एरिया, सोसाइटी एरिया को द्वार लगती है। आपकी दादू कितनी समझदार हैं, वो पैसे फजूल जाया नहीं करती। उन्होंने देखो आपके दादा जान के लिए सरप्राइज रखा था, कितनी प्यारी दादा जाना है आपकी है। ये तोहफा देखे, एक औरत होती है ना, अगर वो फजूल खर्च ना करे ना तो फिर ये करती है। मैं अपनी मामा की मिसाल देता हूँ। अब मैंने अपनी मामा को ना बाहर से ना पकोड़े, समोसे, दाल, रोटी कभी मामा ने कहा कि ये ले आओ, फलां ले आओ, ये ले आओ, टमकाना ले आओ। अगर सुबह नाश्ते में कोई, अगर कोई सालन नहीं भी है ना, मामा ने कुछ ना कुछ करके घर में जो भी पका पड़ा हुआ ना, जैसे आलू है, अंडा है, जो भी है, मामा ने उसी का कुछ ना कुछ सालन बना के नाश्ता देना है, और फिर वो दोपहर के टाइम रोटी वाला, फिर रात अच्छी तरीके से गुजर जानी। अगर मामा ये चीज़ ना करती, ऐसी सेविंग ना करती, तो ये वाला प्लाट हमारा ना होता। और एक और प्लाट है वो आप ही के घर के साथ है, वो भी दिखाऊंगा, वो भी मामा ने ऐसी सेविंग करके ली है, और बाबा बाबा ने कमाया और मामा ने बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र अदा करना ना सुन रब का, कि अल्लाह ताला ने इतनी कुछ चीज़ें नवाज दी हैं जो हमारी औकात से बिल्कुल बाहर थी। हमें इस चीज़ का नहीं था कि यार हम भी कर सकते हैं, यानी मेरे बाबा ने बड़ी एफर्ट की। अल्लाह ताला हमें भी वो ताकत दे, जज्बा दे, हिम्मत दे, ताकि हम इसको दुगना चुगना जितना है वो कर सकें। इन चीज़ों को तोड़ने वाला ना बने, इनको ऐसे बढ़ाने वाला करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस ज़मीन में बेरी का दरख्त लगाया था ताकि इधर बेरी लगे और इधर अच्छा लगे। इधर मैं एक आधे 3-4 दरख्त और लगाऊँगा ताकि इधर कुछ ना कोई फल लग जाए। मोहम्मद और मिराज, हम जा रहे हैं ज़मीनों पर। हाँ, हम जा रहे हैं ज़मीनों पर, क्योंकि मोहम्मद मिराज ने देखना ट्यूबवेल और उसकी मामा ने भी देखना ट्यूबवेल, और अब हम बस जाने लगे हैं गाड़ी में। गुस्सा चढ़ा हुआ, गुस्सा फुल हैवी गुस्सा, ऑल टाइम गुस्सा करता है मेरा पुत्र। थोड़ा ही सफ़र आ गया, फिर जाएंगे इंशाल्लाह डेरे पे, और वहाँ जाके इंशाल्लाह मिठाइयाँ करेंगे। मौसम माशाल्लाह बड़ा फंतास्टिक हुआ हुआ है। पौधे पे देखो माशाल्लाह आम लगे हैं। मिराज साहब ये देखो, अल्लाह ताला की कुदरत माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, है कि नहीं जबरदस्त। बेशक वो हर चीज पे कादिर है, इतने से दरख्त पे स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट है, 5 लगे हैं इसके ऊपर आम, सुभान अल्लाह। और ये फिश फार्म है इधर, और सामने इधर सब्जियां लगी हुई हैं। इतने साइज वाली तोड़ लो। हां तोड़ लो, तोड़ो तोड़ो। ये बेगम जी मिर्चे तोड़ने में लगी हुई हैं। मुझे कम से कम 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन वाइफी जी अभी तक मिर्चे तोड़ रही हैं। मुझे था कि बस थोड़ी थोड़ी उतार के ले आएंगे, लेकिन नहीं, मुझे लगता उन्होंने तोड़ा ही छापड़ भरना जो उन्होंने लेके आएंगे घर से, स्पेशल लेके आएंगे। सुभान अल्लाह, दिखाओ जरा इनका। अच्छा पुदीना, मिर्चे, सर आपकी तो ईद होगी। ये फैक्ट्री जनाब, वाइफ ने भी ये फैक्ट्री अभी देखी है, और मोहम्मद मिराज ये पहले एक फैक्ट्री में गया, अब सेकंड। उसका कोई कसूर नहीं है, उसका पिंक कलर ना फेड ना हो जाए। ओके ओके ओके, जबरदस्त। और जवान अभी तक प्लास्टर प्लास्टर कर रहे हैं। तीन जो है ना शॉप है, वो ऊपर ऑफिस है, नीचे गैराज है, वो दो जो गेस्ट रूम है किस्म के, और ये पीछे सारी देख रहे हैं, सारी ये टोटल फैक्ट्री। कैसा कंप्लीट होने पे आए तो। इस आम वाले दरख्त के नीचे मोहम्मद मिराज रेस्ट कर रहा है, और उसकी मामा ने उसके लिए ना फैन लगा दी, ये फैन अब्दुल्ला लेके आया था, तो ये बड़ा बड़ा बेनिफिट हो गया। हम जहाँ जाए ना ये फैन ले जाते हैं, और मोहम्मद मिराज रिलैक्स रहता है। और उसकी क्या हुआ, क्या जूती जाकर ला लो अपनी फैन ली। तो अब हम जाते हैं ठंडे ठंडे पानी में, ठंडा ना होने आए। हाय हाय, ये देखो सारे जवान पहले ही नहाने। और यार मुझे तो ले लो, ठंडा यक पानी है यार, जबरदस्त। ओ भाई, तेरी हो
मोहम्मद मिराज आपकी बहन आई है पास, आपकी बहन पास है ये। वो देखो इधर मिराज लेटा हुआ था, साथ छोटी सी बहन आ गई। नहाने नहीं आ रहा कोई, बैठाओ ना यार। नहाने तो करवा रहा हूँ मैं, फिर गीला, फिर बाहर जाना होता है यार, छोड़ो। आ जाओ सर, तू तो आ जा यार। हम तो नहीं, मैंने तो तारी लगा दी, बेगम जी चले गई है, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ये पूल सबसे अच्छा पूल है भाई, ये पूल चलते ओए, इसका कोई पता नहीं। शाम सुबह हो भाई, आराम से आराम से आराम से गई भैंस पानी। हाय हाय हाय, रेडी स्टडी एप्पल गो। ये देखा, ये 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 ये, ये। तो मैंने हैवी गोते लगवाने हैं, देखना जरा। ये देखें आप पूरी प्रोफेशनल बन गए कि नहीं। ये देखा, अली लोधी के साथ रहोगे ना प्रोफेशनल बन ही जाओगे। बेगम जी कह रही है मैंने आम भी तोड़ने। चलो चलो चलो, ये तोड़ लो। ओ देखो वो उतर गया, जबरदस्त कैच। हाँ चल, दुल्हा जी से दो दुमाने ले आए। हाय हाय हाय, कट लगाया इसको, ये भी गया जबरदस्त। 10 मिनट में ठंडा हो जाना, मैंने पहले ऐसे ही खाया। 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा और घोड़ा बॉडी में लगा दी, और देखते हैं हम कितने कुछ ज्यादा इससे आम उतार सकते हैं। कैच, हाय हाय हाय। हां जबरदस्त, दुआना कट गई दुल्ला। हाय हाय लाले, जबरदस्त मजा आ गया। हाय हाय, सीन तो ये है ना पूरा, वो कट्ठा, वो भाई इतना नमक। इधर सारी की सारी कनक लगी थी, कनक तोड़ के अब इन्होंने आग लगा दी, क्योंकि इधर दोबारा जो दूसरी फसल लगाने के लिए ना इसको सारा ना तैयार करना पड़ रहा है, इसकी वजह से अंकल ने तो सारी की सारी आग लगा दी। हनीमून पे नहीं भेजा तो अली भाई को हनीमून पे इधर भेज दिया। मजा आ रहा है हनीमून पे।